हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन आपको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, करेक्ट तरीका क्या होता है सनस्क्रीन अप्लाई करने का, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और मैं करेंटली कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, तब से मैंने एक नया सनस्क्रीन ट्राई किया है। ये है लोटस ऑर्गेनिक्स प्लस का अल्ट्रा मैट मिनरल सनस्क्रीन विथ SPF 40, UVA PA ट्रिपल प्लस UVB, और ये ना ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीन है, प्लस ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है। ये 100% सर्टिफाइड है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रेन बेरी एक्सट्रैक्ट। और इसको बनाने के लिए ना बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक एक्टिव्स का यूज़ किया गया है। ये प्रिजर्वेटिव फ्री है और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। इसमें आपको मिल जाता है 100 ग्राम की प्रोडक्ट और इसके लिए इसका MRP है 595 रुपीज़। क्योंकि काफ़ी सारे सनस्क्रीन में मैंने ये चीज़ देखी है कि इसको अप्लाई करने के बाद ना बिल्कुल एक वाइट सा कास्ट आपके स्किन के ऊपर वो छोड़ देता है और जो कि बहुत टाइम लग जाता है उसको अब्जॉर्ब होने में। बट ये जो सनस्क्रीन है ना लोटस ऑर्गेनिक प्लस का, ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है। टिंटेड होने का इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके फेस पे कोई वाइटिश सा कास्ट नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद कोई बीबी क्रीम या फिर कोई फेयरनेस क्रीम अप्लाई ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नीड नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपके स्किन को सन से तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साथ ही में ये आपको एक ब्राइटन अप सा लुक भी देता है जो कि हमें बीबी क्रीम या फिर फेयरनेस क्रीम से मिलता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो सनस्क्रीन हो वो नॉन ऑयली हो, नॉन ग्रीसी हो, वाइट कास्ट हमारी स्किन पर ना छोड़े, प्लस एक मैट लुक मिले, एक डिफाइंड सा लुक मिले। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, ये ऑल इन वन सनस्क्रीन मैं इसको कहना चाहती हूँ। इस सनस्क्रीन की बात करूँ तो ये नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है और आपको एक मैट लुक इससे मिलेगा। इसके ऊपर जब आप मेकअप करोगे ना तो आपका मेकअप भी काफ़ी फ्लॉलेस दिखता है। इस सनस्क्रीन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि रिच होता है विटामिन सी और विटामिन ई से, जो कि आपकी स्किन में जो साइंस ऑफ एजिंग है लाइक फाइन लाइंस हो गए, रिंकल्स हो गए, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्लस आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन रखती है और आपकी स्किन को टाइट बनाने में हेल्प करती है। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि समर्स आ गए यानी कि डे टाइम में तो सनस्क्रीन मस्ट है, बट गाइज ये टोटली एक मिथ है। आपको सनस्क्रीन हर दिन अप्लाई करना है, हर सीजन में अप्लाई करना है। हालांकि ये बात अलग है कि समर्स में जो सन रेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो उसमें आपको अपनी स्किन की और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बाकी सनस्क्रीन आपको डे टाइम में डेली अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सनस्क्रीन आपको कब अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्लिंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है। ये CTM करने के बाद आपको लगाना है अपना सनस्क्रीन, और सन में जब आप जाते हो ना उससे आधा घंटा 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन को अप्लाई कर लेना है ताकि वो बहुत अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और जैसे ही आप सन के कॉन्टैक्ट में आओ तो आपका सनस्क्रीन बिल्कुल रेडी रहे उससे फाइट करने के लिए। जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करो तो आपको SPF 30 प्लस सनस्क्रीन ही अप्लाई करना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। बाहर जा रहे हो तब तो सनस्क्रीन मस्ट है, या और ये भी एक मिथ है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई ये भी एक मिथ है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। घर में भी हो, अगर आप सन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। घर में हो तो थोड़ा कम SPF वाला सनस्क्रीन लगा सकते हो, बाहर जा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लगाओ। और घर में हो अगर आपके पास टाइम नहीं है सनस्क्रीन लगाने का तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगाओ या फिर ऐसा कोई क्रीम लगाओ जिसमें कि SPF हो। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि ये जो सनस्क्रीन है ना, ये UVA और UVB दोनों ही हार्मफुल रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, बट आपको ये पता है कि UVA और UVB से हमारी स्किन में क्या क्या नुकसान होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारी स्किन में जो भी रिंकल्स, फाइन लाइंस और हाइपर पिगमेंटेशन होता है ना, वो UVA रेज की वजह से होता है, और UVA रेज हमारी स्किन को डैमेज भी करती है। और हमारे स्किन में जो सनबर्न हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, वो UVB रेज से होती है। इस सनस्क्रीन में ना जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड वाले सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं हमारे स्किन के लिए। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और ये एनिमल पे भी टेस्टेड नहीं है। 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, नेचुरल ऑयल और नेचुरल बटर के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है और यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी कि किसी भी तरह का आपका स्किन टाइप क्यों ना हो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो दोनों यूज़ कर सकते हो। एंड क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल नेचुरल बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो टीनएजर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता रही हूँ कि क्यों मुझे ये सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा पसंद है और मैं आपको रेकमेंड क्यों कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है इसको, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल्स में नहीं है, इस वजह से आपके स्किन को ये डैमेज भी नहीं करेगा और कोई हार्म भी नहीं पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको फेयरनेस क्रीम या फिर बीबी क्रीम अप्लाई करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपको मैट फिनिश देगा, और जो कि हम सबको चाहिए होता है, क्योंकि अपने फेस पे ऑयली और ग्रीसीनेस किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। चौथी चीज़ ये है कि ये आपको इजीली अवेलेबल भी होंगे और बजट में भी आ जाता है। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।